छुटे आना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोलना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, कदी नहीं ओ छोड़ना इश्क दी डोरना, सारे छड़ जाए माही तू ना छोड़ना, बोलना माही बोलना। अरे सुनो मुझसे, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इस तरह चुप मत रहो प्लीज। तुम्हारी ये चुप्पी मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल चीज है, प्लीज प्लीज कुछ तो बोलो, डांट दो ना मुझे, डांट दो कि हमेशा अपने दिल की बात सुनने वाला ये अभी आज अपने दिल को अनसुना कर, नहीं मान रहा मैं उसकी बात और किसी और से शादी करने जा रहा हूं। सुबह ही मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मन कर रहा था तुम्हें गले लगाकर अपनी दिल की बात कह दूं, पर क्या प्लीज तुम ये मत समझना कि तुम में कोई कमी है इसलिए इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा। सच बताओ तो तुम इतनी अच्छी हो कि अगर कोई तुम्हारे सामने आ जाए उसे खुद में कमी नजर आएगी। मैं मजबूर हूं क्योंकि क्योंकि मैं वादा कर चुका हूं किसी से, और मैं वो वादा नहीं तोड़ सकता। प्रज्ञा प्लीज चुप मत रहो, कुछ तो बोलो, देखो अगर तुम कुछ नहीं बोले ना तो मैं मर जाऊंगा। मैं तेरे संग हंसना, मैं तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना, मैं तुझ में ही खोना, दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं खोलना, मर के भी वही तुझसे न मुड़ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा, हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। तुम्हारी चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं।
अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई, तुम्हारा नाक नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं, अभी